I've fallen in love with I Love. I love you. Del Bole, wow. मलर मलर मेरी प्यारी बेटी Slick. One night slick. The joke of Paki. Marin Matokli, the chopper. Choppies. क्यों गुरुजी आज आप भूत को पकड़ सकते हो या नहीं? आज भूत बहुत आक्रोश में है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। जल्दबाजी मत कीजिए। जब आपने पहली बार कहा था हमने यकीन कर लिया था लेकिन हर बार आप यही बोलते हैं। मुझे कारण तो बताइए, आप उस भूत को पकड़ पाएंगे या नहीं? मस्किटाटिक तो चाहे फोड़ा तो ओकली भात का निंकुआ मारे पेयब माल का चौपाई कोनेस कोलक नहीं समझा आम इंसान को ये भाषा समझ में नहीं आएगी। आने वाली अमावस्या को भूत को पकड़ लूंगा। मैंने सिर्फ 3% कमीशन के लिए शमशान को बेचा है। वो गुस्से में रहे या शांत रहे मुझे उससे क्या। इस लैंडलॉर्ड पट्टी पुच्ची को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने एक्सपीरियंस में तुम्हारे जैसों को बहुत देखा है। करोड़ों की कीमत वाले इस बंगलों को ऐसे ही छोड़ दूं क्या? तुम्हें मैं पकड़ूंगा और इस बंगलों को गिराकर प्लॉट बनाऊंगा। ए तू आगे जाना। अरे वो बॉल को मार भी नहीं पाएगा, तू जा। वो बॉल को नहीं मारेगा ये मुझे भी पता है। वो बैट को छोड़ देगा और बैट मुझे लगेगा। Mark my words, first ball में ही 6 मारूंगा। First ball में 8 हो जाएगा। पहले बॉल डाल, स्टंप पूरा कवर मत कर। तेरे वाइड बॉल के लिए पूरा एरिया कवर हो रहा है। जबान मत चला, बॉल डाल। अपने आप को बड़ा अश्विन समझता है। ए
फ्रेंड्स, मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, ऐसा हमारे पेरेंट्स ने कहा है। सो प्लीज गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। ए बॉल डाल, बॉल डाल। ए, मैंने तुम लोगों से क्या कहा था? रोड पे खेलेंगे तो आप हमारी बैट और बॉल दोनों छीन लेंगे। फिर क्यों खेल रहे हो? छी। जब मैं बड़ा होऊंगा ना, तो वो जो बैट और बॉल लेके जाने वाले अंकल है ना, उनको मैं WWE के बिग शो की तरह उठा उठा के मारूंगा। वो सब बाद में गाइस, अभी क्या करना है? As usual, घर जाकर कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं। I hate that, very boring. Let me think of something new. मुझे बहुत सारे गेम खेलने आते हैं, लेकिन मेरे साथ कोई खेलने वाला ही नहीं है। अरे बच्चों, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? तुम लोग इसे खाओ, ताकत मिलेगी, उसके बाद जम कर खेलो। ग्रैंडपा, हमारे पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, इसीलिए अपसेट है। अब आप और गुस्सा मत दिलाइए। तुम लोगों की बस यही समस्या है? तुम्हारे खेलने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है, तुम लोग वहाँ खेलने जाओगे क्या? कहाँ है, कहाँ है, बताइए ना। इधर ही है, पास में बहुत बड़ा बंगला है। मैं जब छोटा था तो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर लुका छुपी खेलता था। दिन कैसे कट जाता था पता ही नहीं चलता था। वो भी एक जमाना था। हाँ, बहुत मजा आता था। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पलछिन। कोई लौटा दे मेरे। हे, मेरे पापा वहाँ जाने के लिए मना करते हैं। वहाँ पे पास सर वाला एनाकोंडा है। ए, तेरा बाप एक नंबर का झूठा है। कहता है झूठ बोलने से भगवान आँख छीन लेते हैं, लेकिन हमने अब तक इतना झूठ बोला है, क्या हमारी आँखें छीन लिए क्या? Hey guys, चलो देखते हैं, पसंद आया तो खेलेंगे, नहीं तो वापस आएंगे। ओके, चलो। How is Tanmay? Very intelligent. Day by day उसका knowledge improve हो रहा है। उसके सवालों का जवाब तो मैं भी नहीं दे पाता। Is it? ऐसा क्या पूछ लिया? अंकल, स्कूल में स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म क्यों देते हैं? ताकि स्टूडेंट्स के बीच कोई भेदभाव ना रहे और सबको एक नजर से देखा जाए, इसलिए यूनिफॉर्म देते हैं। तो फिर अंकल, सब स्कूल में अलग अलग यूनिफॉर्म क्यों होते हैं? अंकल, ये स्वर्ग कहाँ है? वो आसमान के उस तरफ। तो फिर नरक कहाँ है? वो इस तरफ। स्वर्ग कैसा होता है अंकल? स्वर्ग बहुत सारी परी होती हैं, देवता होते हैं, लेकिन वहाँ पर ये पॉपकॉर्न नहीं मिलता, सिर्फ अमृत मिलता है। यहाँ तक कि वहाँ पर पॉल्यूशन भी नहीं होता, एकदम प्योर। यहाँ तक कि वहाँ रहने वालों की मौत भी नहीं होती, खुशी खुशी रहते हैं वो लोग। लेकिन हाँ, वहाँ अच्छे लोग ही जा सकते हैं। और नरक में? नो, वहाँ सिर्फ बुरे लोग जाते हैं, वेरी डेंजरस। अंकल, आप बुरे इंसान हो या अच्छे? क्या पूछा? अरे, आप बुरे इंसान हो या अच्छे, ये पूछा। मैं अच्छा इंसान हूँ बेटा। तो फिर क्यों ना अंकल, हम लोग स्वर्ग चले जाए। यहाँ रहकर इतना कष्ट उठाना है, वहाँ जाकर खुशी खुशी रहेंगे। स्वर्ग में तो सभी जाना चाहते हैं बेटा, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। एक गांव में एक किसान रहता था।
जो बहुत ही मेहनती था। टीचर वन डाउट। यस। मैथ्स के लिए एक टीचर, साइंस के लिए एक टीचर, हिंदी के लिए एक टीचर, पांच सब्जेक्ट के लिए पांच अलग अलग टीचर, तो पांच सब्जेक्ट एक अकेला स्टूडेंट कैसे पढ़ सकता है? तन्मय, यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, से सॉरी टू हर। अंकल, मैं सिर्फ डाउट पूछ रहा था। व्हाट? अवैयार ने आदि मानव को एक फल वरदान में दिया था ताकि इंसान ना मरे। फल खाने के बाद भी आदि मानव क्यों मरा? वो फल उसने वापस कर दिया था ना? हाँ, तो फिर अवैयार क्यों मरा था? उन्होंने नहीं खाया था ना? अगर उन्होंने नहीं खाया तो ये बताओ कि वो फल कहाँ है? कहाँ है? टीचर से पूछो। कहाँ है टीचर? सर, मैं मैथ्स टीचर हूँ। वो आम बच्चों की तरह नहीं है। He is something different. जितनी जल्दी उसका मर्डर करना हो कर दो। That's good for us. अगर नहीं किया तो जिंदगी भर गार्डियन ही रहेंगे हम। मैंने जो प्लान किया है, अगर उस पर चलोगे तो एक वीक के अंदर तन्मय मारा जाएगा। कैसे? राजवती बंगलों में ले जाके मारेंगे। वहाँ वहाँ भूत रहता है ऐसा लोग बोलते हैं। तुझे भी भूतों में यकीन है क्या? भगवान नहीं है कहोगे तो लोग यकीन कर लेंगे, लेकिन भूत नहीं है कहोगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे। या दैट्स द पॉइंट। वहाँ भूत है सभी लोग यकीन करते हैं। अगर तन्मय वहाँ मर गया तो सब लोग कहेंगे कि भूत ने उसको मार दिया, और पुलिस भी यकीन कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वेरी सिंपल। इस लॉजिक को लॉ मानेगा? विश्वास दिलाने वाला झूठ लॉजिक होता है। तन्मय वहां मर गया, ये बात पुलिस को कैसे पता चलेगी? वो पुलिस का काम है। अपना काम इतना ही है कि किसी तरह तन्मय को उस बंगले में भेजो, फिर हम लोग वहां जाकर उसका मर्डर कर देंगे। That's all. फिर भी कोई दूसरा आइडिया हो तो बताओ। 500 crores, और सिर्फ हम दोनों ही गार्डियन हैं। अगर मर्डर प्लान में थोड़ी भी मिस्टेक हुई और वो बच गया तो हम दोनों की लाइफ खत्म। तो वो बंगला ही हमारे लिए सही जगह है। तुम्हें जो हिस्सा मिलेगा वो है 250 crores। यू जस्ट फील इट। 250 crores। उसके बाद तेरा भी मर्डर मैं ही करूंगा। अच्छा, उस तन्मय को बंगले में कैसे पहुंचाएंगे? अंकल, प्लीज गेट अप। अंकल, अंकल। अरे सुने दे। अंकल, शिवाजी महाराज की तलवार, टीपू सुल्तान का घोड़ा और थॉमस एल्वा एडिसन ने जो फर्स्ट बल्ब का आविष्कार किया था वो मुझे देखना है अंकल। प्लीज अंकल, मुझे वो म्यूजियम ले चलो ना। नहीं, वहाँ छोटे बच्चे नहीं जाते बेटा। अंकल अंकल प्लीज अंकल, मुझे बताइए ना वो कहाँ है। प्लीज अंकल अंकल प्लीज। एक बात सुन लो, मुझे बताए बिना तुम वहाँ नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा अंकल। अच्छी जगह मिली है, अंदर चले। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी दीपा। अरे डरने की क्या बात है गाइस, जरूरी नहीं है कि हम यहीं पे खेलें। चलो घर चलते हैं। आई थिंक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, चलो फिर सब लोग घर चले जाते हैं। तो ठीक है, तुम लोग घर जाकर अपना फेवरेट कार्टून देखो, हम लोग अंदर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अंदर चले क्या? Thank you.
डिसूजा, इस बंगले में भूत है ऐसा मुझे भी लगने लगा है। अगर अंदर जाकर फंस गया तो हमें बाहर निकालने वाला कोई नहीं है, ऐसे में हमारी भी जान जाने का खतरा है डिसूजा। मैं कह रहा हूँ भगवान नहीं है और तू भूत से डर रहा है। मुझे जीना है रिच स्टाइल में। कम ऑन, आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इतनी महंगाई में आम जनता मंथली पगार में कैसे जी लेती है? ये भी कोई जिंदगी है क्या? hey, तू अभी तक गया नहीं क्या? चल निकल, जाके अपना काम कर। लेजी गाय। कितना माल है? 7 बच्चे हैं। उन्हें बच्चा नहीं बोलने का, माल बोलने का। 1 के पीछे 2 लाख, कुल मिला के 14 लाख। सुपर है ना बड़ी? आज की पहली ड्यूटी में ही तुमने अपना काम अच्छे से किया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अच्छा, आप अपने आदमियों को लेकर नहीं आए? किसको, कब, कैसे, कहां लेकर आना है? ऑल डिटेल आई नो। गिव दैट, ये भी दो। मेरा असिस्टेंट बुढ़िया का बाल बेच रहा है। कम ऑन, आई विल शो योर फ्यूचर। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ऑल डेटा अपडेटेड। कम ऑन। ऐसे क्या देख रहा है, नीचे देख। लाइफ में जिस इंसान को आगे जाना होता है वो किसी न किसी को झुकाता ही है। ये फिलोसफी तुम्हें नहीं पता, इसीलिए तुम आज बूढ़ी का बाल बेच रहे हो। चल टकले झुक जा, चलना चल। अबे झुकना। बच्चों का अपहरण करके उनके माँ बाप से पैसे लेना आपको गलत नहीं लगता? इधर आ। हम एक दुकान में चलते हैं, वहां मैं उसको बोलता हूँ हम एक अच्छे इंसान हैं। क्या वो मुफ्त में चाय दे देगा हमें? नहीं देगा ना। गलत सही, पाप पुण्य, ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जरूरत, उसके लिए ये सब है। अंडरस्टैंड? अंकल में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। यहाँ तो कोई हिस्टोरिकल चीज नहीं है, इस जगह को कोई म्यूजियम कहता है क्या? स्टुपिड लायर। तू कौन है? और तू? मैं तन्मय। तू ही इधर भाग रहा था क्या? हाँ। ये म्यूजियम नहीं है, ये तो मैंने देख लिया। तू भी यही देखने आया था क्या? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने आया था। अच्छा, नाइस, मैं भी ज्वाइन करूँ क्या? हाँ, वो मुझे अपने साथ नहीं खिलाते। क्यों? पता नहीं, उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं उनके साथ खेल रहा हूँ। तेरा नाम क्या है? डार्विन। फ्रेंड्स, मिलके खुशी हुई। अंदर मजा नहीं आएगा, तुम लोग ऐसे ही बोल रहे थे। डरपोक कहीं के। शेम ऑन यू पपी ऑन यू, शेम ऑन यू पपी ऑन यू, शेम ऑन यू पपी ऑन यू। हाँ, ये कहाँ से आ गया?
ए, ये अपने साथ कोई नए लड़के को खेलने लाया है क्या? हमेशा ये ऐसे ही करता है, इरिटेटिंग गाइस। लेट्स गो, हम दूसरी जगह जाकर खेलते हैं। ओके। अगली बार ये अगर मैं फॉलो करेगा ना तो इसे मैं उठा के पटक दूंगा। मैंने पहले ही कहा था ये पागल बच्चे हमें साथ में खेलने नहीं देंगे। तो हम दोनों खेलते हैं। हाँ, तू आंख बंद कर, मैं जाकर छिप जाता हूँ। ओके। पल पल भगवान के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन इस अंधेरे को देखकर भूत का ही ख्याल आ रहा है। हार्ट बीट बढ़ गया है मेरा। लगता है मुझे मरवाए बिना नहीं छोड़ेगा, ये मुझे अंदर लेकर ही जाएगा। गॉड प्लीज सेव मी। आज तो केयरफुल सर। 250 क्रोर्स माइंडेड। 250 क्रोर्स। डिसूजा, डिसूजा। वाओ, इसको और कोई दूसरी जगह नहीं मिली थी क्या? आकाश, व्हाट? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे भाई, अचानक हमारे सामने भूत आ गया तो हम क्या करेंगे? भूत? अगर गलती से भी भूत मेरे सामने आ गया तो इस आकाश को देख के वो डराना भूल जाएगा। Let's do your work. सोच लो, बच्चों का अपहरण करना पाप है, आखिर ये सब जरूरी है क्या? बताओ। मुझे तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, जल्दी से काम पे लग जा, भेजा मत घुमा। तू तकलीफ में था इसलिए मैंने तुझे काम दिया और तू मुझे ये एडवाइस दे रहा है। एडवाइस किसको दे रहा है? मुझे? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुझे मार डालूंगा और तेरी लाश भी नहीं मिलेगी, समझ गया? हम कहाँ हैं पता नहीं। कहाँ पहुंचेंगे ये भी पता नहीं। बोला था 10 मिनट में मॉडल करके निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा दिन लगने। डर के मारे जबान लड़खड़ा रही है, अभी क्या करें हम? उसको बुलाओ। आवाज सुनकर अगर वो आ गया तो ठीक, लेकिन कहीं भूत आ गया तो? और 20 मिनट लगेंगे, चलेगा, लेकिन उसे साइलेंटली ढूंढते हैं। टन टडन 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 टडन, शाह भाग गया। हमने तन्मय को यहाँ भेजकर कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी? आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। अगर दोनों साथ में ढूंढेंगे तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। दोनों अलग अलग ढूंढते हैं, अगर तन्मय मिल गया तो मुझे कॉल कर देना। ये दो नए लोग कौन हैं? मुझे अकेले इस बंगले में डर लग रहा है, साथ में टूटते हैं ना हम दोनों। जिंदगी में अच्छे मौके किसी को बार बार नहीं मिलते हैं। दिस इज द राइट टाइम। दिस इज माय बैड टाइम। क्या ये लोग भी हमारी तरह बच्चों का अपहरण करने आए हैं? देखो भाई, मुझ पर शक मत करो। मैं तो हमेशा खुद पे भी शक करता हूं, लेकिन हाँ, तुझ में शक जैसा कुछ भी नहीं है। धंधे में कंपटीशन कुछ ज्यादा ही हो गया है। हाँ काश, रिस्क नहीं लेते हैं, चलो चलते हैं। मैं अपनी जिंदगी में रिस्क ही तो लेता हूँ। ये लोग कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन ये आकाश कितना बड़ा कमीना है ये मैं खुद भी नहीं जानता। आज इन दोनों मेंबर्स को यहां जिंदा दफना दूंगा।
मैं अकेला हूँ ऐसा मत सोचो, मेरे साथ कौन कौन आया है पता है तुम्हें? So many gods with me. आकाश, वो आदमी चला गया क्या? नमस्ते साहब, अपने माँ बाप का बेटा है। तू इसे संभाल, मैं दूसरे को ठिकाने लगा के आता हूं। कनेक्शन, मैं तो डरा भी नहीं। तन्मय आउट हो गया। तन्मय आउट है। अब तुम आग बंद करो, मैं छुपूंगा। नहीं नहीं, इंकी पिंकी पोंकी करते हैं। ओके। इंकी पिंकी पोंकी, फादर हैड अ डोंकी, डोंकी डाइड, फादर क्राइड, इंकी पिंकी पोंकी। आउट है, अब तुम गिनो भी और मैं छुपूंगा। अब ये मोटा सबको ढूंढेगा। ए चुप करो, सेकंड टाइम तूने ही बोला था ना। नहीं तो हे कीप क्वाइट, मैं बोलती हूँ इंकी पिंकी पॉन्की। जरा रुकी, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ तुम यहाँ आओ। क्या हुआ? तुम यहाँ खड़े रहो और तुम वहाँ से स्टार्ट नहीं करोगी, तुम खुद से स्टार्ट करोगी। लेकिन तू उधर ही खड़े रहना। इंकी पिंकी पॉन्की, Father had a donkey, donkey died, father cried, inky pinky ponky. Telephone number 1, 2, 3, you go free, sabun ka dibba free, ganda dibba free. आंखें बंद करता हूँ। सब लोग मेरी आंखों से दूर चले जाओ। अगर मेरे आंखों के सामने कोई खड़ा रहा तो वो चल जाएगा। फनी गाइस। डिसूजा, डिसूजा, चिल्लाकर खुद ही भूत के पास नहीं फंसना चाहता हूं मैं। अरे बाप रे, नो सिग्नल। अरे उसने तो बोला था कि यहाँ पे हर जगह सिग्नल मिलता है, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। अब क्या करूं? अरे कस्टमर केयर, बार बार कॉल करते हो ना, इस कस्टमर को कॉल करके केयर करो यार, कहाँ फंस गया? अरे वो आ गया, चलो। ए क्या हुआ? तू हवा छोड़ देगा।
miss you. I will catch you. Catch you, catch you. पता नहीं किधर चला गया, पता ही नहीं चल रहा ये पागल डिसूजा। अरे कोई भूत बंगले में मर्डर करने का प्लान करता है क्या? बस आ दिया इस डिसूजा ने। छिपके क्या देख रहा है? इधर आ। देख, दोनों के हाथ पर बांध के रखना। अभी बच्चों का यही हाल करता हूं। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आई एम टेरर। हाँ हाँ, तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। किधर गया होगा? दिस वे और दैट वे। मैं ऊपर जाके देखता हूँ। मुझे दोस्त लोग मिल गए खेलने के लिए। अब मैं किसी को बाहर नहीं जाने दूंगी। लूसा, मोटा जिंदा है, ये भी नहीं मरा है। लीव मी, ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, हेल्प मी। अरे माँ, ग्रैंडपा, 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 हेल्प मी, हेल्प मी। अगर चिल्लाया तो तेरी आंखें नोच लूंगा। अरे इस बच्चे को क्यों मार रहे हो? इसे दर्द होगा ना। You black sheep, don't touch me. If my father come to know about this, you both will be in hell. अरे ये ऐसी बात क्यों कर रहा है? कॉन्वेंट में पढ़ने वाला अंग्रेज बच्चा है तू। अरे रे, क्या? अगर ये कॉन्वेंट में पढ़ा है तो इसके माँ बाप से स्कूल वालों ने सारे पैसे लूट लिए होंगे, फिर हमें पैसे कैसे मिलेंगे? सही कहा। क्या वो अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए 2 लाख रुपए का कर्जा नहीं ले सकते? फिर इतना सोच क्या है? ठीक से इसको भी संभाल लेना। क्यों ऐसा किया? तू ऐसा क्यों कर रहा है? अरे भाई, तुमने ही तो हाथ पर बांधने के लिए कहा था। मैंने इन्हें अलग अलग बांधने के लिए कहा था और तूने इन्हें साथ में बांध दिया। अगर ये ऐसे ही बने रहे तो इजली भाग जाएंगे। इसको दूसरे रूम में ले जाके बांध दो। हाय, अब तक तू एक को भी नहीं ढूंढ पाया क्या? तू डार्विन का फ्रेंड है ना, वो क्या बहुत बड़ा आदमी है जो तू एक लड़के को नहीं ढूंढ पा रहा? मैं 6-6 लोगों को ढूंढ रहा हूँ और ये मैं फर्स्ट टाइम नहीं, तीसरी बार कर रहा हूँ। तू मुझसे बात करके टाइम वेस्ट मत कर, जा। थोड़ा मोटा हो तो मुझे येड़ा समझता है। मैं भी दिखाता हूँ कि मैं टेरर हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इधर है, देखो वो वहाँ है। उधर होगा, कहाँ है?
गुरुजी, मुझे यहाँ बहुत ज्यादा डर लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। तू डर मत, आज ये भूत कुछ नहीं करेगा। अरे मातो क्लीली चपा चपाइस बोले। हाथ पैर भी बांधना नहीं आता है। तू कहां से मेरा असिस्टेंट है, गधा कहीं का। दादाजी, अंकल से बोला मुझे छोड़ दे, आज के बाद मैं लोग उसके हाथ पर बांध रहा। मैं पहले कह रही थी ना यहाँ नहीं जाएंगे, अब हम लोग बांध गए। जाने पर हम क्या करेंगे? Only God can save us. यहाँ क्या कर रहे हो? All of you out! मेरे हाथों से कोई नहीं बच सकता। हा 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 हा। क्या हुआ? राहुल अंदर है क्या? अब नहीं बचेगा। नमस्कार मोटू। Who are you? I am kidnapper. Jennifer! Deepa! Ya Allah! Krishna, Parvati, Saraswati, ये ईश्वर हमारी मदद करिए। परम लोक में रहने वाले परम पिता यीशु, मुझे इस शैतान से बचा लो। Hey, come on guys! I saved you! Don't cry! हे भगवान जी, आप सब लोग कहाँ चले गए? गोलगप्पे जैसे मोटू, आओ, आओ भाई, आओ। I got you! Do! अगर चिल्लाओगे तो मैं तुम्हारी जबान काट लूंगा। मामूली पैसों के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं? अगर तुझे पैसा नहीं चाहिए तो तू मत ले, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। और मैं इनसे पैसे कमाऊंगा। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, सात आठ। सात बच्चे बोला था, आठ कैसे हो गए? आठ है क्या? हाँ आठ ही है। ठीक से सोच के बताना, एक के पीछे 2 लाख की बात की है ना राजा, मेरे लाल, मेरे प्यारे, ठीक से सोचकर बताना कितने हैं। आकाश में तेरी कसम खाता हूँ, 8 बच्चे ही हैं। एक्सक्यूज मी, कितने बच्चे बोला? 8 बोला था मैंने। 8? कौन हो तुम? निकल जाओ इस घर से। क्या चाहिए राजा जी आपको? आपने इन लोगों के हाथ पैर क्यों बांधे हैं? मैं नो द रीजन। टोटल 9, रॉन्ग कैलकुलेशन। दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, कितना माल है? कसम खाकर बोलता हूँ, मुझे खुद नहीं पता। मैं
मैंने तुझे अपने साथ रख के काम दिया और तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। तू मुझसे सब झूठ बोल रहा है। अरे तूने मुझे क्या पागल समझ रखा है? जाके ऊपर देख कौन है, जाके देख कौन है, जा जल्दी। मिशन स्टार्ट। आकाश कमिंग ऑन द वे। अरे भाई, जो आवाज आ रही है वो बच्चे के चलने की आवाज नहीं लग रही। चलो निकलते हैं यहाँ से। ए, ये आकाश तुम्हारे साथ है ना? ये बच्चे ही है ना? नहीं, भूत है। भूत यानी? पहले ऐसे परछाई आती है ना? अभी एक काली परछाई यहां से गुजरी, तुमने देखा क्या? हे आकाश, तुम्हारी तरह मुझमें हिम्मत नहीं है भाई। टकलू, ग्रैंड ग्रैंडपा, मैं आपके पोते जैसा हूं इसलिए आपको गलत बोल देता हूं, इसलिए मुझसे गुस्सा मत होना। डोंट क्राई, ही विल हिट अस। ग्रैंडपा ने हमारे साथ चीटिंग की है, वो अच्छे इंसान नहीं है। अरे हे भगवान, मुझे बचा लो। दिन में भूत नहीं आएगा बोलकर उसने मुझे यहाँ फंसा दिया है। मुझे बचा लो भगवान। आज अगर किस्मत में मौत लिखी है तो फिर कोई नहीं बचा सकता है। डिसूजा, डिसूजा, गेट अप। हे डिसूजा, गेट अप। डिसूजा, हे। ए आकाश, अरे भाई मैं नहीं बुलाया था। तुम तो बहुत सेफ लग रहे हो ग्रैंडपा। क्या कहा यार, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस बुढ़ापे में मौत से मुझे इतना डर लग रहा है, तो तू तो जवान है, तुझे कितना डर लग रहा होगा, तेरा दिल कितना रो रहा होगा। पक्का हम मर जाएंगे क्या? कन्फर्म है क्या? बेबी, बेबी मेरी बेबी, मुझे भूत का डर दिखा रही हो? अभी मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। भागो, आ रहा हूँ मैं। अटेंशन, मुझे कुछ मत कीजिए सर, प्लीज। वो सब तू जाने दे, पहले ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है? व्हाट इज द मैटर? लव मैटर। जरा ऊंची आवाज में बोल। लव मैटर। लव मैटर, ये क्या नई चीज है? टेल मी योर स्टोरी वेरी शॉर्टली। हे डायरेक्टर, तुम लोग इधर क्यों आए हो? अरे भाई, कहानी सुननी है कि नहीं सुननी? ठीक है, कंटिन्यू। रजिस्ट्रार ऑफिस में ले जाने की बात करके तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? जस्ट हाफ एन आवर, कोऑपरेट विद मी। व्हाट डू यू मीन?
भारत, I love you sincerely. शादी के बाद जो बोलोगे वो मैं करूंगी. मैरिज? ओह नो, यू क्रेजी गर्ल. यू चीट? आई नो, तुमने एक्सेप्ट किया तो अच्छे से, नहीं तो तुम्हारा मर्डर. अगर तुम यहाँ मर गई तो लोग सोचेंगे कि तुम्हें भूत ने मार दिया. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. हम लोग 4G जनरेशन नहीं है, अपना जनरेशन फॉर्जरी है. सोशल मीडिया में रिक्वेस्ट भेजा तो एक्सेप्ट करती है, तो फिर ये क्यों नहीं करती? चल आ जा. नो वे टू एस्केप. इस लव मैटर में लव तो है ही नहीं, ओनली मैटर है इसमें. हमारे जमाने में इसकी उम्र में शादी करना बहुत जरूरी होता था. हा? लेकिन ये लोग शादी नहीं करते हैं और बाकी सब कुछ कर देते हैं. hey, हमने बच्चों को किडनैप करने के लिए इस बंगले का यूज किया था. हा? और तूने बच्चा पैदा करने के लिए इस बंगले का यूज किया. कोई बात नहीं, फ्यूचर में यूज कर लेंगे. इसके डैड के पास सिंगल अमाउंट और लड़की के डैड के पास डबल अमाउंट. उनके पास क्यों डबल अमाउंट? बिना वजह मैं किसी पे हाथ नहीं डालता. तुम इसे टेक ओवर करो. ओके. और मैं बेबी को टेक ओवर करता हूँ. बेबी कहाँ हो तुम? Hey, money, 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 baby, oh baby, where are you? Baby, कहाँ हो तुम? तुम्हें तुम्हारे पापा के पास मैं ले जाऊंगा. तुम्हें तुम्हारे पापा के पास मैं ले जाऊंगा. बेबी, 15 lakhs नहीं छोड़ूंगा. ये आकाश ऐसी चीजों के सामने गुलाम बन जाता है. सर, मैंने जितने बच्चों को भी किडनैप किया है सबको छोड़ देता हूँ. ये किडनैपर है क्या? बिना वजह में किसी भी चीज पर हाथ नहीं डालता. मुझे ना मेरी जान बहुत प्यारी है सर. प्लीज सर, इनको बोलिए ना सर, गोली मत चलाए. डील करते हो क्या? आप बहुत अच्छे इंसान हो सर. सर, एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ा भी नहीं मांगूंगा सर. टैक्स फ्री सर. मेरा वर्थ क्या है आपको पता है सर. आप उसके लिए कुछ सोचो सर. थैंक यू सर. आपको जो करना है कीजिए सर, मैं किसी को नहीं बोलूंगा. मेरे धंधे की कसम. जीमेल तू? मैं किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करूंगा. हे डिसूजा, जो तू सोच रहा है ना वो बराबर बोल रहा है. उसको बार बार गन क्यों दिखा रहा है? सुपर सुपर. ऑलरेडी लेट हो चुके हैं. जल्दी से तन्मय को ढूंढ कर उसका मर्डर करते हैं और जल्दी से इस बंगले से भाग. मर्डर? मर्डर सर, मेरे बिना आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते. आपको मुझ पे भरोसा करना ही पड़ेगा. पहले तन्मय का मर्डर करना है, उसके बाद इन दोनों का मर्डर करना है, उसके बाद 500 crores ओनली फॉर मी. यार कोई भी भगवान जी हमें बचाने के लिए नहीं आ रहे. पता नहीं अभी भगवान जी किस काम में बिजी हो गए हैं. भगवान का कुछ मत बोल. जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो भगवान हमारी मदद ही नहीं करते, तो फिर वो भगवान क्यों है? स्पाइडरमैन, सुपरमैन, पावर रेंजर्स को हम लोग नहीं बुला सकते क्या? वो भी तो मदद करते हैं. ए, उन लोगों को तो खुद ठीक से चड्डी पहनना नहीं आता है. वो लोग हमको क्या बचाएंगे बता? तो हम लोगों को कोई भी नहीं बचाएगा क्या? माँ से कह के बहुत सारे मंगवाने हैं. Thank you.
मेरे अंकल आ गए, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। You want this piece? डिसूज़ा मिस्टर स्काई, क्या हुआ? अरे भगवान, यहां पर तो सच में भूत आ गया।
हे भगवान, तुम तो अच्छे लोगों की भी मदद नहीं करते, तो मेरे जैसे लोग की मदद कैसे करोगे? उषा, उषा! कोई भूत बनने में मर्डर का प्लान करता है, अब भूत हमारा मर्डर कर रहा है डिसूज़ा। अचानक सब कुछ शांत कैसे हो गया? अभी तक तो अटैक हो जाना चाहिए था। भूत मुझे देखकर गुस्सा हो रही है, इन लोगों को देखकर मुस्कुरा रही है। अगर मैंने इन दोनों को छोड़ दिया तो ये मुझे मार डालेगी। बच्चों को छोड़ दे।
डिसूजा, बच्चों को मत छोड़ना। ये खुद यहाँ आकर के क्यों फंस रहा है? ये क्या, बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के बजाय तुम लोग बच्चों को पकड़ के बैठे हो? चलो निकलो, चलो ना। ए बेवकूफ, अब तू नहीं बचेगा। भूत ऊपर है, तुमने ये क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे एक बच्चा दो। नहीं दूंगा। ए दो ना यार। फिर क्यों बुला रहा है? तुमने मुझसे मार नहीं खाया ना? आजा 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 आजा। अरे आजा ना। अरे आजा ना, बाहर क्या खड़ी है? आजा, कहाँ चली गई?
प्लीज भरत, गुरुजी चलो यहाँ से चलते हैं। आज मैं इसे यहाँ से पकड़े बिना नहीं जाऊंगा। भद्रकाली कपालिनी, ये खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। तुम लोगों को मार दूंगी। मार डालो मुझे। तुम मुझे मार दोगी फिर मैं भी तुम्हारे जैसा भूत बन जाऊंगा। और उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा। आओ मारो मुझे। किल मी। क्या सोच रही हो? कंफ्यूज क्यों हो रही हो? तुम मरने के बाद भूत बन गई। तुम मुझे मार दोगी तो मैं भूत बन जाऊंगा। मैं भूत बनूंगा या नहीं बनूंगा? जरूर बनूंगा। ये लॉजिक तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? Do you have any sense? Sense? हाँ? मैं उस भूत के पास जाकर अकल के बारे में पूछ रहा है पागल। मेरे भूत बनने के बाद मैं तुम्हें इससे ज्यादा टॉर्चर करूंगा, समझी? Come on! अधूरी इच्छा से मरने वाले भूत बनते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा गांधी चाहते थे देश अच्छा रहे, वो तो भूत नहीं बने। देश की आजादी के लिए लड़ने वाले सुभाष चंद्र बोस भूत नहीं बने। अपने देश के लिए बहुत लोगों की अधूरी इच्छा से मौत हुई थी, लेकिन वो लोग तो कभी भूत नहीं बने। वो सब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भूत बनकर कभी नहीं आए। तुम क्यों भूत बनकर आई हो? उन लोगों से बढ़कर भी तुम्हारी इच्छा है क्या? बोलो। जवाब दिए बिना ही भाग गई। तुम कहीं भी छिप जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भूत से तो पूछ रहा है कि भूत कैसे बन गया? तुम्हें उसे डर नहीं लगता?
हाँ, लेकिन हरिश्चंद्र जी ने मुझे बचा लिया। क्या, हरिश्चंद्र जी ने? What do you mean? वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, वो मेरे रोल मॉडल हैं। मैं तो कभी कभी भगवान से भी सवाल कर लेता हूँ, आफ्टर ऑल ये तो भूत ही है ना? हाँ, ये तो है। बाकी के फ्रेंड्स कहाँ चले गए? वो लोग ना भूत से डर के छिप गए। और भूत हमसे डर के भाग गई। लेट्स गो, हम सब लोग जाकर उस भूत से सवाल करते हैं। कम ऑन। सुनो दोस्तों, भूत लोग कबर्ड और अलमारी में छुपे रहते हैं, सब लोग ठीक से ढूंढो। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। आखिर कहाँ गई वो भूत? ए, मुझे बताए वो कहाँ गई होगी। कहाँ है? जस्ट फॉलो मी। कहाँ है वो भूत? इसके अंदर ही छिपी होगी। हाँ यार, इसके अंदर से ही वो बाहर आई थी और सबको बहुत डरा दिया था। चलो सवाल पूछते हैं, तुमने भगवान को देखा है क्या? और ये बताओ, भगवान काले हैं या गोरे हैं? और भगवान आपसे बात करते हैं क्या? आप लोग एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं? आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? यहाँ पर हिंदी, मराठी, पंजाबी, भोजपुरी, इंग्लिश, बहुत सारी भाषाएं हैं। तुम लोग मरने के बाद कौन सी भाषा में बात करते हो, या फिर कोई अलग कॉमन लैंग्वेज है या नहीं? 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 दोस्तों, भूत नहीं है यहाँ। सुनो, अभी उससे सवाल नहीं पूछेंगे, उससे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स जैसे खाने वाली चीजें मांगेंगे। भाई, मैं सोच रहा था कि तूने अब तक खाने की बात नहीं की, शुरू हो गया ये। ए, दीपा कहाँ है? वो तो हमारे साथ ही थी। दीपा, 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 दीपा। ये आवाज तो वहां से आ रही है। लेट्स गो। मुझसे मस्ती कर रहे हो, मेरी पावर पता है तुम्हें। दीपा, सुपर, उस भूत को छोड़ना मत। क्या बात है, तुम्हारे पास पावर है? देश में बहुत सारी जगह पर करंट नहीं है, वहाँ जाके करंट दे सकती हो क्या? करंट? We want power, we want power, we want power, please give power, we want power, please give power. तुम पावर नहीं दे सकती हो क्या? ठीक है, बारिश बरसाओ। बारिश? If you have power, you should share with others. You are not supposed to hide it from the beneficiaries. अरे, ये क्या तो अंग्रेजी में बात कर रहा है? इस भूत को अंग्रेजी समझ में नहीं आती, हिंदी में बात कर। ये सब कहाँ से आए हैं? शह, भूत भागने में कामयाब हो गई। शह, मुझे भी एक सवाल पूछना था, पूछने से पहले ही भाग गई। पकड़ लेंगे, चलो। जिस सवाल का जवाब नहीं है, इंसान से पूछो तो भूत जैसा गुस्सा आता है, ये तो भूत से ही सवाल पूछ रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। भगवान है वो, ये डिसूजा और ये आकाश कहाँ चले गए, पता नहीं चल रहा है। ए सुन, भूत को पकड़ा क्या तूने? ए, ये तो छोटी भूत है। हाँ, छोटी भूत। इसने मुझसे क्या कहा पता है? मैं भी तुम लोगों के साथ खेलने आऊं क्या? हाँ? हम लोग को पिज्जा खिलाएगी तो ही हम तुम्हें अपने साथ खेलने देंगे। पिज्जा? वो क्या है? भूत को पिज्जा के बारे में नहीं पता है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग अचानक सामने आते हो, अचानक गायब होते हो, ऐसा कैसे? ऐसा सिर्फ भूत कर सकते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम, माँ से ही पूछना पड़ेगा। तेरी माँ तो कहीं छुप गई है, चलो हम सब ढूंढते हैं, ठीक है ना? लेट्स वेलकम आवर न्यू डूड, टेक अ सेल्फी। अब ये छोटी भूत बड़ी भूत को पकड़ेगी। सुपर।
ये लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं तो अपने माँ बाप को कितना परेशान करते होंगे, शैतान है या बच्चे। सुनो, तुम भूत लोग स्कूल नहीं जाते क्या? सुपर, स्कूल नहीं है, होमवर्क नहीं है, तुम्हारी लाइफ तो बहुत मजेदार होगी ना। तेरी माँ तुम्हें कुछ बनने के लिए नहीं कहती क्या? क्या मोटू? मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती है तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, ऐसा बोल बोल के टॉर्चर करती है। तुम्हारी माँ नहीं करती? ऐसा कुछ नहीं बोलती है। चाह, इसकी मम्मी कितनी अच्छी मम्मी है और हमारी मम्मी एकदम भूतनी है। ठीक है, तो अपनी मम्मी से कब मिलाने वाली है? तुम इन लोगों के साथ मत खेलो, अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी। ये क्या नया तरीका है? ये सब तुम्हें किसने सिखाया? नहीं बताऊंगी। मैं कह रही हूँ ना, अंदर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। लोगों के साथ मत खेलो। क्यों? अब तुम भी मुझसे सवाल करोगी? मैं उन लोगों के साथ ही खेलूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे छोड़ो, मलन, मुझे छोड़ो, मुझे उन लोगों के साथ ही खेलना है। उन लोगों के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया। इंसानों के साथ हम नहीं रह सकते बेटा। ये लोग भूत बुरे हैं ऐसा कहते हैं। किसी भी भूत ने आज तक बुरा किया है? किसी के साथ विश्वासघात किया है? कभी किसी की चेन या किसी के पैसे चुराए हैं क्या? कभी किसी से रिश्वत ली है क्या बेटा? नाम, शोहरत, इज्जत, इन सब की ख्वाहिश रखी है क्या हमने? ये जान लो कि इंसान बहुत बुरे होते हैं। इंसान इंसान पर भरोसा नहीं करते तो फिर हम भूत उन पर कैसे भरोसा करें? माँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही है ना? मेरी प्यारी मुन्नी, मेरी प्यारी गुड़िया, अपनी माँ की बात मानोगी ना? दर्द हो रहा है माँ। मैंने कहा था ना, अभी तक ये गेट भी पार नहीं किए होंगे। सुनो गौरी, पहले तो शरीर में राख लगाकर घूमते थे, पर आज तो एकदम फ्रेश लग रहे हो। क्यों? भूत आज गुस्से में है कहकर मुझे बेवकूफ बनाने वाले हो? ओंकारी कपालिनी चामुंडा, संस्कृत में मंत्र पढ़ के मुझे बेवकूफ बना रहे हो? ऑलरेडी दो लोगों को अंदर भेज दिया है मैंने। मैजिकल घोस्ट कैचर, कहीं सुना है तुमने? ताकतवर देश अमेरिका के एक आदमी को भेजा है, एक चाइना का भेजा है। अमेरिका और चाइना को लिंक किया है मैंने। विदेशी लोग एकदम काम के होते हैं, थोड़ी देर बाद वो भूत को पकड़ कर लाएंगे। तुम वेट करो, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, तुम उन दोनों के चेले बनकर काम सीख लो, नहीं तो जिंदगी भर इस गेट पर खड़े रहकर घंटी बजाते रहोगे।
कुछ नहीं बेटा, तुम यहीं रहना। गाइस, ये कैसी आवाज है? समथिंग इज रॉन्ग। Leave her! Leave her! Leave her! Leave her! Leave her! Leave her!
भूत बंगला नहीं लग रहा है, बहुत ही कमाल है, इसको ऐसे ही भेज देते। हॉलीवुड से आदमी बुलवाकर भूत पकड़वाने वाले पहले आदमी हो आप भाई। डेफिनेटली। हाय, टिंग टोंग। अच्छा हुआ आपने इन्हें कैद कर लिया, इनकी वजह से ये जगह नहीं बेच पा रहा था। मैं कितना परेशान था मुझे पता है। बाप रे बाप रे बाप रे। कल ही इस बंगलों को गिराएंगे और प्लाट बनाकर पैसे कमाएंगे। मैं कौन हूँ पता है? शेर, शेर पे सवा शेर, शेर पे सवा शेर, शेर पे सवा शेर। विनेश। नो। We found that there are many objects within the palace that are the source of the ghost's power. To get rid of the ghost for good, all of these objects must be destroyed. तुम कहना क्या चाहते हो? वर्क, डोंट फिनिश, यही ना? Yes. फिर हम लोगों को अंदर क्यों बुलाया? पहले काम खत्म करना था ना? Look back, Patupuchi. हाँ? ये सब क्या है? बालवाड़ी स्कूल के बच्चों की तरह इन सबको लाइन में सुला कर रखा है? कौन है ये बच्चे लोग? Funny kids came to save the ghosts. भूत का इन बच्चों से क्या संबंध हो सकता है? I don't know. ये क्या बोल रहा है? हाँ? मैं बताता हूँ। अब ये कौन है? तुम कितने लोग यहाँ आए हो? हाँ, ये मेरी जगह है, तुम्हें पता है ना? एक डील करोगे? ए, भाई बिजनेस की बात कर रहा है, बंगले के अंदर जितने भी लोग हैं उनको इधर असेंबल करो। नहीं 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 नहीं, नहीं होगा। तुम्हें जितना अमाउंट मिल रहा है उसमें से 10% मुझे दे दो। हाँ, सिर्फ 10% ही मांग रहा हूं। अगर तुम हाँ कहते हो तो मेरे लिए तो डबल हाँ है। क्या सोच रहे हो? बचपन में जब मेरी माँ दुकान भेजती थी मैं कहता था 10% कमीशन दोगी तो जाऊंगा। मैं तब से ऐसा ही हूँ, मैंने माँ को भी नहीं छोड़ा। टाइम 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 के बाद मेरा कमीशन भी बढ़ता गया। तो डील ओके है ना? ओके। चुप। करेगा तुम मर्डर का काम देख लो, मुझे कुछ दूसरा जरूरी काम है, ठीक है? हाँ? hey! छोड़ भाई, छोड़ दिया तो भाग जाएगी ना ये। तुम सबके सामने हा? भाई कैसे काम करेगा? छोड़ इसे, ठीक है? तू जा ना। अब तू कैसे बचेगा? एए, हम लोग की धुलाई की थी ना तूने? आना बचा ले इसे, आना आजा आजा। अरे आना। Ah!
पकड़ो उसे, पकड़ो। ए टकले पकड़ उसे, पकड़ पकड़ पकड़, कैच 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 कैच। क्या भाई, जैसा तूने कहा बिल्कुल वैसा ही किया ना? ए, मैंने कब कहा था तुझसे? तूने ही तो डिसूजा को खत्म करने को कहा था। सॉरी यार, मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, अभी इसे मार देता हूँ। ये तुझे क्या हो गया, क्यों तू ऐसा बोल रहा है? अरे आकाश, तू डर मत, तेरे सामने इसकी हैसियत क्या है? कहाँ ये और कहाँ तू? तू क्यों अकेले परफॉर्म कर रहा है यार? आकाश सर, ये कोई भी काम एकदम करेक्ट करता है, लेकिन ये आज क्या कर रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा सर। हे, गन उनको दे देना। ओ, अपने प्लान के हिसाब से तू इसे खत्म करेगा क्या? ये कौन सा प्लान है जो मुझे नहीं पता? डोंट प्ले आकाश, आई'ल किल यू। सर भाई, हमारे हाथ में गन है तो भी ये इतना बोल रहा है? अगर इसके हाथ में गन होती तो ये क्या करता? जाओ और अपने साथियों को लेकर आओ। आकाश कौन है, आज इसको दिखा देंगे। अरे यार, इतना कंफ्यूजन क्यों है? आदमियों को तो मैं बाद में लाता हूँ, पहले तेरा प्लान क्या है वो बता। सर, मैं पुलिस का वांटेड पर्सन हूँ सर। इस बंगले में बच्चों को लाने के लिए मैंने इस टकलू को यूज किया था, लेकिन ये ऐसा करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे बताना इन्हें कि हम इन बच्चों का किडनैप करने आए थे। मैं बच्चों को किडनैप करने के लिए नहीं, इनको बचाने के लिए आया हूँ। हाँ, बचाने के लिए आया है? इस सिचुएशन में भी मजाक कर रहा है, आखिर तू कहना क्या चाहता है? हाँ? बंगले को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। hey, तू हमारे साथ कॉमेडी कर रहा है पुलिस करके? दूंगा तुझे मैं एक घुमा के, गंदे उन्हें। भागो पुलिस, भागो पुलिस आई है। पुलिस को तुमने बुलाया है? वो लड़की कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया, वो भाग गई। देखो मेरा कुर्ता और धोती साफ है, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तू बोलेगा कि तू शरीफ इंसान है तो क्या लोग तुम पर विश्वास कर लेंगे? रुक, पुलिस की मार क्या होती है यह आज तुझे पता चल जाएगा। मेरी आखिरी सांस तक जब तक मैं जिंदा हूं वही होगा जो मेरा प्लान है। पुलिस वालों को सिर्फ इतना पता है कि अंदर किडनैपर है। हम लोगों के बारे में उनको नहीं पता है। किसी भी बच्चे की जान की मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन पुलिस हर एक बच्चे की परवाह करेगी, ये उनकी मजबूरी है। इसलिए वो यहाँ जल्दी अटैक नहीं करेंगे, और हमें भी वक्त चाहिए, तो इन बच्चों को हथियार बनाकर इन लोगों को लॉक करते हैं और उसके बाद हम मर्डर करेंगे। बच्चों को तुम कुछ नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुझे मैं एक चॉइस देता हूं, इस गन में सिर्फ एक गोली है, किसको मारना है ये फैसला कर ले। देख क्या रहा है, बच्चों को उठा।
शूट। ये दुष्ट लोग इस भूत बंगले में लोगों को मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। गुरुजी, अगर उन्हें पता चला कि हम लोग यहाँ हैं तो हमें मार देंगे। वो लोग मर गए तो लोग सोचेंगे कि इन्हें भूत ने मारा है या नहीं, लेकिन हम मर गए तो लोग कहेंगे कि इन्हें भूत नहीं मारा है। यहाँ से चलते हैं। हमारी आंखों के सामने इतने लोगों की जान खतरे में है। अगर हम यहाँ से चले गए तो हम लोग इन लोगों से भी बड़े पापी होंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं, उस भूत को मुक्त कर देते हैं, वो स्वयं इन्हें देख लेगा। हे माँ काली कपालिनी, मुझे शक्ति दे, मैं दास हूं तेरा। चुपचाप ये गन मेरे हवाले कर दे, वरना यहां मौजूद सारे बच्चे मारे जाएंगे। द गन इज माइन। मैं इन लोगों को संभाल लूंगा, आप जाइए।
stop interfering, you'll ruin everything. रुक जा। क्यों रे? हमारे गांव में दूध, सब्जी और राशन का अलग-अलग व्यवसाय था। लेकिन तुम लोग सुपरमार्केट लाके हमारा पूरा धंधा ही चौपट कर दिए। हम लोगों ने टॉकीज, थिएटर बनाया और तुम लोगों ने मल्टीप्लेक्स बनवाकर इस धंधे को भी चौपट कर दिया। क्यों, पूरी दुनिया पे फिर से राज करने का प्लान बनाया है क्या? अब अगर तुम लोग भूत भगाने के भी काम में आ गए तो हम देशवासी क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत बेवकूफ बनाया, अब आमने सामने का मुकाबला कर। फिर दे। हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे, लेकिन बाहर जाने का दरवाजा किधर है कुछ पता नहीं चल रहा है। रिस्पेक्टेड मैडम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो प्लीज ग्रैंड मी एंड लीव मी। जरा अपना आइटम निकाल। इस दरवाजे से बाहर निकल जा पट्टपुच्ची। अरे भाई, एक भी दरवाजा नहीं खुल रहा है। अरे सभी जगह डेड एंड मिल रहा है। डेथ ही अपना एंड है भाई। नहीं, कहीं ना कहीं से तो रास्ता होगा। लेकिन कहाँ? कैसे भी करके हमें निकलना है। मूव। शेर पे सवार शेर। अरे बाप रे, मुझे मेरी मौत सामने दिखाई दे रही है। मैं इसके सामने ही नाचा था। ए बॉडीगार्ड, भाई को कैसे भी घर पहुंचा दो। तू शेर है तो मैं सवा शेरनी हूँ। मोटू, मुझे बचा ले यार। तू मुझे बचने की कोशिश कर रहा है क्या? जो पैसे मैंने लूटे हैं उससे ऐश किए बिना ही मर जाऊंगा क्या? कहाँ आकर फंस गया मैं? ए, चल जा रे। अरे, अरे, यहां अरे भाई, चल तुम्हारा भाई हो यार, बहन यहाँ से निकलो। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? चल निकल यहाँ से। भाई आप कहीं और जाकर छिप जाओ ना। डेफिनेटली। ए, बॉडी को देखने वाला बॉडीगार्ड नहीं होता, बॉडी की रक्षा करने वाला बॉडीगार्ड होता है। भाई डायलॉग मार कर टाइम वेस्ट मत करो ना। डायलॉग मारना बंद कर। भाई आप यहाँ खड़े मत रहो, नहीं तो वो आ जाएगी। कोई अच्छी सी जगह ढूंढ कर छुप जाओ भाई, हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। इस गांव में मेरे कितने घर हैं, लेकिन यहाँ छिपने के लिए थोड़ी सी जगह नहीं है। अरे बाप रे, तुम्हें देखकर लगता है तुम मेरी बिरादरी की हो। तुम अपनी जाति वालों को अपने हाथ से मारोगी तो अपनी जाति खत्म हो जाएगी। मुझे छोड़ दो ना। अब तो भूतों में भी तुम लोग अपनी जाति ढूंढने लगे हो। जी, तुम इंसान अब इतना ज्यादा गिर गए हो। आ! 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 आ!
तुम मेरी जाति वाली भूतनी नहीं हो क्या? ए, अपने जात वाला कोई भूत है क्या? तुम्हारी जाति वाले को दूसरी जाति वाली भूतनी मार रही है, जल्दी आओ ना। अपनी जात वालों को तुमने बचाया तो तुम्हारा नाम इतिहास में लिखवा दूंगा। जल्दी आकर मुझे बचाओ, बचाओ ना। The final instrument of our life. जैकी चैन की फिल्में बहुत देखी है मैंने। मौत से नहीं डरता हूं, मैं अभी बहुत जीना चाहता हूं। हमारी सोसाइटी में रहने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और मुझे जीना है एकदम रिच स्टाइल में। बोलो डील करते हैं क्या? तुम्हारी सोसाइटी में जीने के लिए दूसरों को मारते हैं पर यहां से बचकर कोई नहीं जा सकता। आज के बाद तुम सब लोग हर पल पल मर कर जियोगे। दीदी डरिए मत, बाहर आ जाइए। दीदी, ग्रैंडपा हम लोगों को बचाने के लिए आ गए हैं। हाँ बेटी, डरो मत। सारे दरवाजे लॉक हो चुके हैं, हम बाहर कैसे जाएंगे? तो दीदी आप इसके लिए डर रही हैं क्या? हम अपने फ्रेंड को बुलाएंगे ना तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे। क्यों फ्रेंड्स, मलर को बुलाएं क्या? यहाँ ऐसा इनका कौन सा दोस्त है जो दरवाजा खोल देगा? ये तुम्हारी फ्रेंड है क्या? ओपन द डोर मलर। मलर मस्ती मत करो, डोर ओपन करो। नहीं खोलूंगी। तुम सब अब यही रहोगे और मेरे साथ खेलोगे। लगता है ये हमें बाहर नहीं जाने देगी। मलर हम सबको घर जाना है, ओपन द डोर। ए, अगर ये हमारी सच्ची फ्रेंड होगी तो डोर ओपन करेगी, तो इसके सामने गिड़गिड़ा मत। हाँ तूने सही कहा। Thank you.
संध्या प्लीज हेल्प मी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। शॉर्ट एंड स्वीट एक बात कहूं, तुम मर जा। सारे बच्चे सेफ हैं सर। किडनैपर क्या थे इन्फॉर्म करने के लिए बोला था ना? मैंने सेलफोन को बुड्ढी के बाल में छुपा कर रखा था, लेकिन उस आकाश ने उसे फेंक दिया था, तो मैं क्या करता सर? पैसे के लिए कोई बच्चा किडनैप नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इतना बड़ा रिस्क उठाया था, लेकिन तुम इतने केयरलेस हो। वेटिंग फॉर योर ऑर्डर सर। नहीं सर, अंदर भूत है सर। हम लोग किस्मत वाले हैं जो बचकर आ गए सर। बैड गाइज अंदर बुरी तरह फंस चुके हैं, उनकी अंदर बहुत पिटाई हो रही है, बहुत पिटाई। गलत काम करने वालों को भगवान पनिशमेंट ही नहीं दे रहे हैं, एटलीस्ट भूतों को तो देने दो। लीव इट। हाँ सर, उन लोगों के लिए यही सही जगह है। हम लोग इनके साथ नहीं जा सकते हैं क्या माँ? क्यों? उनकी दुनिया अलग है बेटा, और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग। उस दुनिया में हमारी दुनिया से भी बड़ा राक्षस है। कौन माँ? पैसा। तो फिर ये सब अच्छे लोग राक्षस के साथ कैसे जिएंगे माँ? यहाँ आए हुए कितने दिन कितने महीने हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया में हम पहले इंसान होंगे जो भूत के कपड़े धो रहे हैं। सही कहा भाई, कपड़े धो वरना वो हमें धो डालेगी। ए मोटू तू किधर है? Help me. Oh God, कहते हैं भगवान हर जगह पर है, पर इस भूत बंगले में क्यों नहीं है? Hey, सुन जरा, तूने संध्या को देखा क्या? डील करें क्या? संध्या की? ये सब क्या कर रही हो माँ? अगर तन्मय यहाँ आकर मुझसे सवाल पूछेगा तो उसका जवाब देने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। सवाल पूछने आए हो ना, पूछो। रजनी सर, राजनीति में आएंगे या नहीं ये बताओ। हाँ? हाँ? आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता? आप चाहे कहीं भी जाओ, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा।